हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा था वीडियो? तो आज सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखें बताएंगे क्या चीज़ें थी, क्या रीज़न था, किसके कारण वीडियो नहीं आ रहा था। तो ये एक बहुत ज़्यादा बैड है न्यूज़ इस चैनल पे हुआ था क्या, कि हमारा जो चैनल मोनेटाइज था वो डीमोनेटाइज हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा। प्लीज़, अब मैं ये अभी तो ठीक ठाक है, अभी जस्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि अब कंटिन्यू वीडियो आपके लिए मैं कर पाऊँ। पता नहीं क्यों एक अलग सी या फीलिंग होती है, कोई भी क्रिएटर हो जब उसके वीडियोस पे या फिर उसके ज़्यादा रिस्पॉन्स ना आए और उसी समय उसके चैनल डीमोनेटाइज हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे चैनल पे दो दो स्ट्राइक आई हुई थी। और वो स्ट्राइक किस कारण आई थी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि आप ये गलती ना करो जो गलती मैं कर चुका हूँ। तो काफ़ी संभालने के बाद खुद को फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सब मुझे देख रहे हैं। तो अब मैं फिर से स्टार्टअप करने वाला हूँ सारी चीज़ों के बारे में। तो चलते हैं, बताते हैं किस कारण स्ट्राइक आई हुई थी हमारे चैनल पे और क्यों डीमोनेटाइज हो गया मेरा चैनल। तो जब बिग बॉस शो चल रहा था, तो उसी समय हमने एक छोटी सी गलती कर दी कि एक छोटा सा क्लिप हमने बिग बॉस का उठा करके कुछ डाल दिया इस पे, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने स्ट्राइक करके हमारे चैनल को ही डीमोनेटाइज कर दिया। जी गाइस, तो इसी तरीके से हमारे दो स्ट्राइक आ चुकी थी और चैनल एकदम ठप हो गया था। बट फिर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सबकी तरफ से आ रहा था, कंटिन्यू वीडियो चल रहे थे। और स्ट्राइक आने के बाद जस्ट हमने किया क्या कि हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया, यानी कि तुरंत हमने क्या किया, उस वीडियो को जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी उन्होंने कहा कि इस वीडियो को डिलीट करो, ये चीज़ें करो। फिर भी लेकिन उसके बाद भी अपील के लिए यूट्यूब की तरफ से एक आता है कि आप वीडियो को जो भी मेंशन कर पाएँ, जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे पाएँ कि ताकि आप क्या डीमोनेटाइज होने वाला था तो आपका वो रुक सके। लेकिन हमने वीडियो भी अपलोड किए लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इतना सारा हमने ईमेल किया सारी टीमों को जो उन्होंने दिया था, ठीक है, स्ट्राइक, तो कोई फायदा नहीं होता है। जब कोई आप अपील करते हो तो इसी तरीके से लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप इस कॉपीराइट या जो भी स्ट्राइक है इससे बचे जरूर। ओके, तो किस तरीके से अगर आपके चैनल पे इस तरीके से स्ट्राइक आ जाए तो क्या करें, यानी कि चैनल डीमोनेटाइज एक बार हो जाए उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो उसमें एक टाइम आता है, जितना भी टाइम दिया हो 84 डेज या समथिंग, वो स्ट्राइक ऑटोमेटिक हट जाती है। ओके, उसके बाद अब अपने चैनल को क्या कर सकते हैं, फिर से आप यूट्यूब को भेज सकते हैं मोनेटाइज के लिए। लेकिन उसके लिए फिर से वही क्राइटेरिया होनी चाहिए जो पहले होनी चाहिए, यानी कि आपके चैनल पे यानी कि 4000 आवर्स पब्लिक वॉचिंग टाइम होनी चाहिए लॉन्ग वीडियो पे, और आपके सब्सक्राइबर मिनिमम होने चाहिए 1000। तो सब्सक्राइबर तो बिल्कुल हैं लेकिन वाचिंग टाइम में हमने पिछले 2 से 3 महीने में हमने कुछ भी वीडियो नहीं अपलोड किए, जिसके कारण थोड़ी सी कमी हुई है और मैं इसको फिर से रीअप्लाई करने वाला हूँ। तो ये एक तो थोड़ी सी यह है खुशी वाली चीज़ें, और मैं कंटिन्यू अब वीडियो बनाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो लगभग अप्रॉक्स $100 हो बनने वाले थे तो वो भी रुक गए। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा, आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सबको कि कोई भी गलती आप अगर सीरियस में करके बनाते हैं चैनल और इस तरीके से स्ट्राइक आती है तो बहुत ज़्यादा बैड लक होती है। होप यू आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट।